हेलो इंजीनियर्स, 300% थी। तो आज आपके लाए हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो हमने कई सारे कीबोर्ड हम लोगों ने देखा है, लेकिन इस तरह का कीबोर्ड मैंने बनाया है। तो ये एक्चुअली लाइट के ऊपर डिपेंड करके आप इसको काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी एलडीआर हमने लगाया है और एलडीआर को इस तरह कनेक्शन किया है इस कीबोर्ड के सर्किट के साथ। तो हम लोगों का जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं जो खराब हो जाते हैं, उसका सर्किट ज्यादातर खराब नहीं होता। तो सर्किट को हम लोग यूज कर सकते हैं दूसरे कीबोर्ड बना के। तो वही सर्किट हम लोग लगाएंगे, लगाने के बाद इसी सर्किट के माध्यम से हम लोग इसको काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अल्फाबेट इस पर दे दिया है, इस पर न्यूमेरिकल कोई नंबर नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट को हमने कनेक्शन किया है। तो इसको जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो इस पर जब भी जहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे, मतलब प्रेस नहीं होगा, जहाँ पे डार्क होगा, मतलब आप टच करेंगे और एलडीआर डार्क हो जाएगा। तो होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो अभी चलिए इसको किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने से पहले हम लोगों को इस सर्किट के बारे में कुछ जानना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक काला बटन आपको दिख रहा है। तो ये एक्चुअली एक ऑनबोर्ड चिप बोलते हैं इसको, ऑनबोर्ड चिप, ठीक है। तो इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर होते हैं या फिर किसी किसी कंपनी प्रोसेसर भी इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीन एलईडी देख रहे हैं, नाम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए, ठीक है। और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, आउटपुट को हमने इस एलडीआर के साथ कनेक्शन किया है। तो कुछ इस तरह आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इस तरह हम लोग इसको कनेक्शन किया है। तो इसी सिस्टम से हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे। करने के बाद इस पर जब भी डार्क होगा तो क्या होगा, इस पर वोल्टेज प्रोवाइड होगा, होने के बाद ये एक्चुअली में काम करेगा। तो इस तरह इस सर्किट को हमने बनाया है। तो अभी चलिए इसको टोटली हम लोग जो कि सर्किट को बनाते हैं और कनेक्शन किस प्रकार से लगाया वो सब कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। Thank you.
अभी तो कीबोर्ड का जो जो स्विच है उसको हमने बना दिया है एलडीआर के जरिए, ठीक है। तो अभी इस पर सर्किट को लगाना होगा। सर्किट को हम लोग बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोगों को पुराना जो कीबोर्ड होते हैं उसके सर्किट को हम लोग खोलेंगे, खोलने के बाद इस पर लगाएंगे। तो सर्किट जो डिजाइन होगा वो इस तरह होगा। तो देखा आपने, इस तरह हम लोग सर्किट को डिजाइन करके हम लोग इस पर लगा सकते हैं पैटर्न के साथ। तो अभी चलिए सर्किट को हम लोग लगा के देखते हैं। सर्किट लगा दिया है, अभी कीबोर्ड कंप्लीट है। अभी हम लोग इसको जैक लगा के हम लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करेंगे, करने के बाद हम लोग इस पर अल्फाबेट लिखेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कीबोर्ड को फिट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे जो कि आएगा अल्फाबेट हम लोग लिखेंगे तो इस पर आएगा। तो हम लोग अभी इस पर टाइप करेंगे और तो देखिए मैं अभी ए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ए आ गया है। तो यहाँ पे ए प्रेस करने पर ए आ गया है। प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डार्क होने की जरूरत है, डार्क होने पर ये आ जाएगा। अभी देखिए उसके साथ एस एस आ गया है। तो इस तरह हम लोग एक एक करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग सी लिखेंगे तो सी लिखने के लिए हम लोग इसके ऊपर प्रेस करना होगा, देखिएगा तो सी आ गया है। अभी हम लोग शिफ्ट दे के हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद बड़ा आएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट दे के शिफ्ट को हम लोग लगाएंगे, उसके बाद ए, तो देखिए ए हो गया है बड़ा अक्षर में। तो इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ए देंगे तो ये छोटा हो गया है। अभी कैप्स लॉक देंगे तो कैप्स लॉक अभी ऑन हो गया है, देखा आपने कैप्स लॉक ऑन हो गया है। तो अभी हम लोग जो भी लिखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, जैसे कि एफ जी उसके बाद एच, इस तरह हम लोग किसी भी कीबोर्ड को हम लोग दबाएंगे तो ये काम करेगा। तो देखिए एम, तो इस तरह हम लोग इसका अल्फाबेट लिख सकते हैं। तो कैप्स लॉक को बंद कर देते हैं तो कैप्स लॉक बंद हो गया है। तो इस तरह हम लोग कीबोर्ड के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये जो कीबोर्ड हम लोग बनाया है, इस कीबोर्ड को हम लोग आसानी से आर्डिनो के मदद से भी बना सकते हैं। तो आर्डिनो के साथ हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर कॉमेंट पे आप लोग लिखेंगे कि आर्डिनो के साथ बनाना होगा तो हम लोग बना के दिखाएंगे किस प्रकार से आर्डिनो के साथ हम लोग कीबोर्ड बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक एलडीआर के जरिए हम लोग कीबोर्ड बना सकते हैं अपने घर पे, और वो भी बहुत ही इजी। सर्किट को बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फिट करके हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।